फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। आई नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। उन्नाव केस में दोनों पीड़िताओं का हुआ अंतिम संस्कार, भारी पुलिस बल रहा तैनात। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के दोनों पीड़िताओं का अंतिम संस्कार हो गया है। नाबालिग होने की वजह से दोनों लड़कियों को गांव के पास के ही एक खेत में दफनाया गया है। पीड़िताओं के परिजनों, कुछ ग्रामीणों और पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ। बाबा रामदेव ने लॉन्च की पतंजलि की कोरोना की COPP WHO GMP सर्टिफाइड दवा। कोरोना की वैक्सीन के बाद अब कोरोना की दवा आ गई है। बाबा रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना की पतंजलि की दवा लॉन्च की, जो COPP WHO GMP सर्टिफाइड है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। दवा लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि योग आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाया जा रहा है। मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी, दर्ज होगी FIR, मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। देश में कोरोना के आंकड़ों में जहां कमी देखी जा रही है, वहीं महाराष्ट्र में संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। राज्य की राजधानी के अधिकारियों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मामला दर्ज करना और इमारत को सील करना शामिल है। मुंबई में गुरुवार को 736 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। शबनम ने राज्यपाल आनंदीबेन से फिर की माफी की मांग, क्या टल जाएगी माफी? अमरोहा जिले के बावनखेड़ी में 14-15 अप्रैल 2008 में परिवार के 7 सदस्यों को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने वाली शबनम ने राज्यपाल के नाम अब एक और दया याचिका सरीखी अर्जी तैयार की है। राज्यपाल तक भेजने की उम्मीद में यह अर्जी रामपुर के जेल अधीक्षक को सौंपी गई है। चीन ने पहली बार कबूली गलवान की खूनी झड़प में अपने सैनिकों की मौत की बात। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LSC पर भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। कम होते तनाव के बीच चीन ने पहली बार माना है कि गलवान में उनके भी सैनिक मारे गए थे। चीन ने पिछले साल जून में हुई खूनी झड़प के दौरान मारे गए 4 सैनिकों की जानकारी साझा की है। इस खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। आज की खबरों में बस आज इतना ही। ऐसे ही नई नई अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।